जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जुल्फी बुखारी की नाहनी के केस पर समाप्त करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान समेत दीगर फ्रीकेंट को नोटिस जारी कर रखे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट अपन कंपनीज दीगर अहम मुकदमात पर भी समाप्त करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज ख्वाजा बरादरान की जमानत की दरख्वास्तों पर समाप्त करने वाला बेंच तहलील हो गया। दो रुकनी बेंच के सरबरा जस्टिस अली बाकर नजवी का बहावलपुर तबादला कर दिया गया। पैरागॉन सोसाइटी के डायरेक्टर कैसर अमीन बट की जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेशी मुहम्मा बन गई। कैसर अमीन बट को जिस्मानी रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। मुलजिमान कैसर अमीन बट और नदीम जिया ने 2005 में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई। आशियाना इकबाल और रमजान शुगर मिल स्कैंडल केस नैप की तहकीकात मुकम्मल। रवामा रेफरेंस दायर करने की तैयारियां। आशियाना इकबाल में शहबाज शरीफ जबकि रमजान शुगर मिल केस में हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। पंजाब छप्पन कंपनी स्कैंडल पंजाब हुकूमत के अहम इजलास में बड़े फैसले। हुकूमत पंजाब का तीन अहम कंपनीज को बंद करने का फैसला। साफ पानी की दो कंपनीज नॉर्थ और साउथ दोनों को बंद करने का फैसला। हुकूमत के 100 रोजा प्लान में तलबा यूनियन की बहाली का मंसूबा इल्तबाह का शिकार। 34 साल कबल 1984 के मार्शल लॉ दौर में लगी पाबंदी तहाल न उठाई जा सकी। हायर एजुकेशन वर्किंग ग्रुप ने यूनियन की बहाली का मसविदा तो तैयार किया अमल दरामद न हो सका। शहरे लाहौर की सबसे बड़ी कायद आजम लाइब्रेरी इंतजामी बहरान का शिकार। 2015 से किताबों की खरीदारी के लिए कमेटी ही न कायम हो सकी। बुक सिलेक्शन कमेटी की अदम मौजूदगी फंड जाया मेंबरान जदीद इल्म से महरूम। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले किस तरह होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने दाखिलों का तरीकाकार वाज़े कर दिया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज यूएसएस की लिस्ट के मुताबिक ही दाखिला कर सकेंगे। प्राइवेट कॉलेज में दाखिले के लिए मुतल्लिका कॉलेज के प्रिंसिपल का अथॉरिटी लेटर भी जरूरी करार। ऑडियो लीक स्कैंडल अंदरूनी इख्तलाफात गिले शिकवे पीटीआई इत्तेहाद के गले पड़ गए। सेनेट की दो नशस्तों पर जमनी इलेक्शन स्पीकर के इलेक्शन कारी प्ले साबित हुआ। स्पीकर के इलेक्शन में नून लीग के 12 वोट परवेज इलाही की झोली में गिरे। सेनेट के जमनी इलेक्शन में पीटीआई को अपने ही 5 वोट कम मिले। नून लीग के वोट बैंक में इजाफा 4 वोट ज्यादा मिल गए। नई सूरत हाल पीटीआई के हुक्मरान इत्तेहाद के लिए खतरे की घंटी। पंजाब असेंबली सेनेट का जिमनी इलेक्शन पीटीआई ने दोनों नशस्तें जीत ली। तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल और सेमी एसटी सेनेटर मुंतखब हो गए। वलीद इकबाल 184 वोट साउद मजीज 176 वोट 7 वोट मुस्तरद सेमी एसटी 183 वोट लेकर कामयाब। उनके मध्य मुकाबल सायरा अफजल तारड़ 175 वोट मिले। वेमेन नशस्त पर 9 वोट मुस्तरद करार। पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह मिनिस्ट्रियों के लारे लगाए गए जिस तरह के फंड्स के लोगों के साथ लारे लगाए गए और मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि नतीजा तो अल्लाह ताला के पास था लेकिन इन दिनों में हमने इनको वक्त बड़ा डाला है और इनकी नींदें उड़ी हुई थी और इनको हलफ कल पार्लिमानी पार्टी में कुरान पे हलफ लिए जा रहे थे। हमने हरीफों को वक्त डाल दिया मसाद हालात के बावजूद पार्टी मुत्तहिद रही। मौजूदा हुकूमत की कोई रेट नहीं लोगों के दिलों में घर नहीं कर सकी। नून लीग की उम्मीदवार सायरा अफजल तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू मुझे 176 वोट मिले 3 मुस्तरद हुए अराकीन ने 6 जायद वोट दिए। बाजमीर अराकीन ने तहरीक इंसाफ पर अदम एतमाद कर दिया। नून लीग उम्मीदवार साउथ मजीद नो कॉन्फिडेंस है कि हमारे अपोजिशन में होते हुए भी हर दफ़ा वोट पहले से बढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 179 का फिगर यहां से लेके जा रहे हैं और मैं
यकीन से कहता हूँ कि अगले डेढ़ दो महीने में अगर कोई नया इलेक्शन आया तो आप ये यकीन रखें कि ये 179 इंशाल्लाह 189 हो। बहुत से पार्टी के कायदीन ने इसमें हमारी रहनुमाई की है, मेरी और सीमी एसडी साहिबा की। मैं इनफरादी तौर पे अगर नाम लेना शुरू करूं तो मुझसे गलती हो सकती है कि किसी का नाम भूल जाऊंगा, तो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं इनफरादी तौर पे उन सब का बजाते खुद शुक्रिया अदा करने उनके घरों पे जाऊंगा। पीटीआई के दोनों कामयाब उम्मीदवारों का इजहार तशक्कुर, सेनेट की नशिस्त के काबिल समझा। वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ साथ देने पर पार्टी अराकीन असेंबली, आज़ाद अराकीन और हलीफ जमातों का भी शुक्रिया। नौ मुंतखब सेनेटर वलीद इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, सेनेट के लिए चुनने पर चेयरमैन इमरान खान की मशकूर हूँ। हम दोनों अक्सरियत से जीते हैं, अकलियती और आज़ाद अराकीन का भी शुक्रिया। सेमी एसटी महमूद रशीद बोले, सोशल मीडिया पर क्या किया गया प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा साबित हुआ। पीटीआई की जीत के बाद नून लीग के दिन में तारे नजर आ गए। और इत्तेहादी जमातों के तमाम एमपीएस का और पीटीआई के तमाम एमपीएस का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पीटीआई के जो दोनों उम्मीदवार थे जो हर लिहाज से मेरिट पर पूरा उतरते थे उनको कामयाब करवाया। पंजाब की कारकर्दगी में सबसे बड़ा चैलेंज अगर आपको है तो वो क्या है? कोई भी चैलेंज नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए, अभी ये बता दीजिए कि जो 100 दिन का प्लान है वो कहाँ तक पहुँचा है, कैसी कारकर्दगी जा रही है? उसकी प्रेजेंटेशन हम देंगे डिटेल में, तो आप सब लोगों को बुलाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। हुकूमत को कोई चैलेंज दरपेश नहीं, सब कुछ ठीक है, 100 रोज पूरे होने दें फिर बताएंगे कितने बिल पास कराए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दाक की लाहौर न्यूज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी की एंकर पर्सन मदीहा आबिद अली से खुसूसी गुफ्तगू। नैब सियासत ज़दा हो गया, या तो सबको गिरफ्तार कर ले या सबको छोड़ दे, धांधली की पटारी से पर्दा उठेगा, हुकूमत हमें ना डराए, इंतकामी कार्रवाइयों का डट कर मुकाबला करेंगे। न्याजी साहब की धौंस और धमकियां नहीं चलेंगी, ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। लाहौर की यूनियन काउंसिल्स की तादाद 274 से बढ़ाकर 500 करने का फैसला, एक यूनियन काउंसिल 18,000 की आबादी पर बनेगी। डिस्ट्रिक्ट मेंबरान की 319 से बढ़ाकर 500 की जाएगी। शहर में 6,500 बल्दियाती नुमाइंदों का इलेक्शन होगा। लाहौर न्यूज ने नए मुजवजा बल्दियाती निजाम के खदोहाल सामने ले आया। लाहौर पुलिस में पेट्रोल का बड़ा बहरान, पुलिस का पेट्रोल बंद, गश्त बंदी निगरानी ठप, एहलकार थानों में बैठने पर मजबूर, ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन की गाड़ियों और मोटरसाइकिल के इंजन खाली। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद, साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के अकाउंट से 36 करोड़ से जायद रकम जिला इंतजामिया के अकाउंट में मुंतकिल, जिला इंतजामिया ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को आगाह कर दिया। इसहाक डार की गुलबाग वाली कोठी पहले ही एलजीए की तहवील में है। सर्दी आई गैस चली गई, गैस के प्रेशर में कमी और गैस की अदम फराहमी की शिकायत पड़ने लगी। जोहर टाउन के इलाके भीड़ पिंड के मकीन सर पर पड़ा गए, खवातीन और बच्चों का सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, गैस दो के नारे। माल भी गया और बाल भी ना रहे, मांगा मंडी में डकैती के दौरान डाकू ने ख्वाजा सरा के बाल काट दिए, कार सवार डाकू को ख्वाजा सरा से लाखों रुपए नकदी और दीगर सामान भी लूट कर फरार। पुलिस ने 5 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, मुलजमान में मोहसिन, आफ्ताब, नुमान, मंजूर और मोहसिन शामिल। शहर में अगवा की वारदातें ना रुक सकी, फैजबाग के इलाके में 23 साल नौजवान हमजा जुबैर मुबैना तौर पर अगवा, हमजा घर से 3,70,000 रुपए दुकान पर देने गया लेकिन वापस ना आया, थाना मिस्री शाह में चचा की मुदैयत में मुकदमा दर्ज। तरक्की पसंद और इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज की याद, अलहमरा हॉल में अजीम शायर को खराज अकीदत पेश करने के लिए फैज अमन मेले का आज आगाज होगा। मुल्की और गैर मुल्की अदीब शायर मुसन्निफ और फनकार शरीक होंगे। भारतीय शायर जावेद अख्तर और उनकी अहलिया अदाकारा शुबाना उज्मा की भी आमद, गवर्नर पंजाब और उनकी अहलिया से मुलाकात, दोनों ममालिक के मबैन सकाफती वफूद के तबादलों से तजुर्बा सीखने पर इत्तेफाक।
और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में शामिल कलंदर, फनकारों के सूफियाना कलाम ने शर्का पर बजट जारी कर दिया, तलबा झूम उठे।